मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश के महान परंपराएं, हमारे पूर्वजों ने हमें जो विरासत में दिया है, जो शिक्षा और दीक्षा हमें मिली है, जिसमें जीव मात्र के प्रति दया का भाव, प्रकृति के प्रति अपार प्रेम, ये सारी बातें हमारी सांस्कृतिक विरासत है। और भारत के इस वातावरण का आतिथ्य लेने के लिए दुनिया भर से अलग अलग प्रजातियां के पक्षी भी हर साल भारत आते हैं। भारत पूरे साल कई माइग्रेटरी स्पीशीज का भी आशियाना बना रहता है। और ये भी बताते हैं कि ये जो पक्षी आते हैं, 500 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के और अलग अलग इलाके से आते हैं। पिछले दिनों गांधीनगर में COP13 कन्वेंशन, जिसमें इस विषय पर काफ़ी चिंतन हुआ, मनन हुआ, मंथन भी हुआ और भारत के प्रयासों की काफ़ी सराहना भी हुई। साथियों, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि आने वाले 3 वर्षों तक भारत माइग्रेटरी स्पीशीज पर होने वाले कॉप कन्वेंशन की अध्यक्षता करेगा। इस अवसर को कैसे उपयोगी बनाए, इसके लिए आप अपने सुझाव जरूर भेजें। कॉप कन्वेंशन पर हो रही इस चर्चा के बीच मेरा ध्यान मेघालय से जुड़ी एक अहम जानकारी पर भी गया। हाल ही में बायोलॉजिस्ट ने मछली की एक ऐसी नई प्रजाति की खोज की है जो केवल मेघालय में गुफाओं के अंदर पाई जाती है। माना जा रहा है कि यह मछली गुफाओं में जमीन के अंदर रहने वाले जल जीवों की प्रजातियों में से सबसे बड़ी है। ये मछली ऐसी गहरी और अंधेरी अंडरग्राउंड क्वेव्स में रहती है जहां रोशनी भी शायद ही पहुंच पाती है। वैज्ञानिक भी इस बात से आश्चर्यचकित है कि इतनी बड़ी मछली इतनी गहरी गुफाओं में कैसे जीवित रहती है। यह एक सुखद बात है कि हमारा भारत और विशेष तौर पर मेघालय एक दुर्लभ प्रजाति का घर है। यह भारत की जैव विविधता को एक नया आयाम देने वाला है। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे अजूबे हैं जो अब भी अनडिस्कवर्ड है। इन अजूबों का पता लगाने के लिए खोजी जुनून जरूरी होता है। महान तमिल कवयित्री अव्वैयार ने लिखा है, कट्टत कैमणवु कल्लादरु उड़गड़वु, कट्टत कैमन अड़व कल्लादत ओला हड़व। इसका अर्थ है कि हम जो जानते हैं वह महज एक मुट्ठी भर रेत है, लेकिन जो हम नहीं जानते हैं वह अपने आप में पूरे ब्रह्मांड के समान है। इस देश की विविधता के साथ भी ऐसा ही है, जितना जाने उतना कम है। हमारी बायोडायवर्सिटी भी पूरी मानवता के लिए अनोखा खजाना है, जिसे हमें संजोना है, संरक्षित रखना है और एक्सप्लोर भी करना है।